नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। शहर में नशे का कारोबार जोरों पर। साक्षी रामलीला मैदान के पास ब्राउन शुगर बेचते दो पकड़ाए, 78 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त। डायन प्रथा पर रोक लगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान तेज। राष्ट्रपति से सम्मानित होकर लौटी पद्मश्री, छुटनी महतो का चौका मोड़ पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुगसलाई फुटओवर ब्रिज का किया निरीक्षण, हर हाल में जल्द काम पूरा करने का निर्देश। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी रामलीला मैदान के पास से पुलिस ने घेराबंदी करते हुए स्कूटी पर सवार दो युवकों को पकड़ा। उनके पास से 78 पुड़िया ब्राउन शुगर और 4000 नकद बरामद किए गए हैं। दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। शहर में नशे का कारोबार जोरों पर है। साक्षी पुलिस ने रामलीला मैदान के पास गुप्त सूचना पर छापेमारी करके शाम एक स्कूटी सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ साथ नकद 4260 रुपये भी बरामद किए हैं। घटना का खुलासा करते हुए डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि दोनों शातिर हैं और इस धंधे में पहले से ही लिप्त हैं। गिरफ्तार सोनू जायसवाल उर्फ टाटा सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा शीतला मंदिर के पास रहने वाला है। इसी तरह से दूसरा मोहम्मद सिहल सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के बाराद्वारी न्यू कोयलाटाल के पीछे रहता है। इसमें से सोनू सीताराम डेरा थाना से इसी साल 5 अगस्त को और सिद्धगुड़ा थाना से एक मामले में जेल जा चुका है। तारीख को दोपहर में एक सूचना मिली कि रामलीला मैदान के पास में स्कूटी पर दो व्यक्ति जो है ब्राउन शुगर का बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर यहाँ साक्षी थाना के पदाधिकारियों का एक टीम बनाया गया और वहाँ पर भेजा गया उसको छापामारी करने के लिए। वो लोग कॉर्डन कर कर करके जो लोग बेच रहा था उससे संबंधित दो व्यक्ति सोनू जायसवाल और मोहम्मद साहिल को वो लोग रंगे हाथ ब्राउन शुगर पुड़िया में बेचते हुए पकड़े हैं। और इससे संबंधित ये साक्षी थाना कांड संख्या 215-21 दर्ज किया गया है। उधर आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वे ग्रामीण क्षेत्रों में फैली डायन प्रथा पर रोक लगाने हेतु प्रशासनिक पहल की मांग कर रहे थे। आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष धरना देते हुए डायन प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी गांव समाज में व्याप्त डायन प्रथा एक पुरानी और बीमार मानसिकता का अमानवीय परंपरा है, जिसकी रोकथाम हेतु सार्थक प्रशासनिक पहल की जरूरत है। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से मांग उठाई है कि जिन गाँवों में ऐसे मामले सामने आते हैं उन गाँवों में सार्वजनिक जुर्माना लगाया जाए। हम लोग आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखान मुर्मू के नेतृत्व में आज झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालय में सती प्रथा की तरह डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए हम लोग आंदोलन छेड़ रहे हैं। और डीसी के माध्यम से आज डीसी और एसपी को मेमोरेंडम देंगे ताकि आदिवासी महिला को जो डायन के नाम से बेरहमी से हत्या किया जाता है और उसको निर्वस्त्र करके मारा जाता है, पीटा जाता है, महिला पिलाया जाता है, ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ा ये अन्याय है। ये मानवाधिकार का ये विरोध है और ये अमानवीय घटना है। पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी महतो के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होकर लौटने पर चौका मोड़ पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सरायकेला बीरबांस निवासी सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी महतो दिल्ली से अपने घर लौटते वक्त गुरुवार को चौका मोड़ पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया। चौका मोड़ पहुंचने पर पद्मश्री छुटनी महतो ने शहीद अजीत धनंजय महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। पद्मश्री छुटनी महतो को डायन के नाम पर भयानक प्रताड़ित सहनी पड़ी थी, लेकिन ये तो हौसला था जो कभी नहीं टूटा। पद्मश्री छुटनी महतो ने हिम्मत नहीं हारी और डायन विरोधी अभियान की कार्यकर्ता बन गई। झारखंड में ये कुप्रथा गहरी जड़ें जमा चुकी थी। डायन प्रथा के जड़ें
आर्थिक झगड़े, अंधविश्वास और दूसरे सामाजिक संघर्ष भी रहे। पद्मश्री छुटनी महतो को भी इस प्रथा का दंश झेलना पड़ा था। उधर कदमा स्थित शहीद निर्मल महतो भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस कंपनी को महाराष्ट्र में स्थानांतरित किए जाने के निर्णय को लेकर मंथन किया गया और विरोध प्रकट किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक कदमा उलियान शहीद निर्मल महतो सामुदायिक भवन में आयोजित हुई। बैठक में कोल्हान के 9 विधायक मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि टाटा समूह द्वारा टाटा मोटर्स और कमिंस कंपनी को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने का राज्य सरकार को पत्र दिया है, जिसका विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। कोल्हान स्तर का बैठक में टाटा घराना जो निर्णय लिया, टाटा मोटर्स और कमिंस जो 50% दोनों का हिस्सेदारी है, उस कार्यालय को पुनः में शिफ्ट करने के लिए, महाराष्ट्र के पुनः में शिफ्ट करने का चिट्ठी मिला है मुझे सरकार है। और इसके विरोध में आज अगर कंपनी यहाँ रही और उसका सारे सिस्टम पुणे में रहे, उसका ऑफिसर पुणे में रहे, आज अगर यह किसी मजदूर को डिसमिस हो गया, चोट लग गया, किसी तरह का बात हो मजदूर का बात हो, तो हमको पुणे में जाकर बात करना पड़े। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुगसलाई में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और अधूरे पड़े कार्य के विषय में जानकारी ली। उन्होंने हर हाल में निर्माण कार्य जल्द समाप्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुगसलाई ROB का औचक निरीक्षण किया एवं अधूरे पड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ठेकेदार त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के मालिक आदर्श दूधराज का, आनंद दूधराज का एवं उनकी पूरी टीम से ROB के अधूरे पड़े कारणों का समझा। ठेकेदार ने बताया कि काम रुकने के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला, वहां 52 घरों को शिफ्ट किया जाना है, जिनमें 38 घर आधे अधूरे बने पड़े हैं। पूर्व में इन विस्थापितों को टाटा स्टील द्वारा चूना भट्टा से लाकर यहां बसाया गया था। दूसरा कारण है अप्रोच रोड की जद में आने वाली बिजली के तार एवं तीसरी नाली का टेंडर नहीं होना है। मंत्री महोदय ने धैर्यपूर्वक सारी समस्याओं को सुना एवं त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने उपायुक्त पूर्वी सिंह सूरज कुमार से वार्ता की एवं अनुमंडलाधिकारी संदीप कुमार मीणा को बुलाकर उनसे टाटा स्टील एवं जिसको से बात कर तुरंत 52 घरों को तैयार करवाने का निर्देश दिया। देखिए, ये सरकार हमारी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, ये गठबंधन सरकार जनता के हितों की रक्षा करने के लिए लगी हुई है। और जहाँ कहीं भी हम लोगों को ये पता चल रहा है कि कुछ व्यवधान है या तकनीकी व्यवधान है, तो उन तकनीकी व्यवधानों को कैसे ठीक करके जनता के हितों में काम किया जाए, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। उसी के क्रम में ये पता चला, पहले भी मैंने इसको विधानसभा में ये पुल बनाने की मांग मैंने उठाई थी जब मैं 2009 में MLA था, तो उस समय भी मैंने जो है इसको लेकर ध्यान आकर्षण वगैरह डाला था। तो अभी जो है कुछ यहाँ समस्या है, एक तो कुछ ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की थी, कुछ ST लाइन के शिफ्टिंग की थी, फिर करीब 52 घर हैं गरीब लोगों के, उन 52 घर को शिफ्ट करके नए घर में उनको दाखिला देना है। तो उसमें अभी 38 घर ऐसे हैं जो अर्ध निर्मित हैं और 14 घरों को बनाना है। तो जो अर्ध निर्मित घर हैं उनको हमने DC साहब से निवेदन किया है और SDM साहब से निवेदन किया है, SDM साहब खुद आए हुए हैं। 13 एवं 14 नवंबर को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा की जाएगी। उक्त जानकारी चंदन क्यारे की विधायक अमर बावरी ने दी।
13 एवं 14 नवंबर को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर बाउरी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित भी किया। दो दिवसीय इस कार्य समिति में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या समेत कोल्हान के तमाम भाजपा के पूर्व विधायक सहित कई नेतागण एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्व विधायक ऐसे सारे लोगों का समागम दो दिन इस पार्क की नगरी में होने वाली है। आप सबको यह आग्रह करते हुए कि इस कार्य समिति के माध्यम से जो भी विचार सामने आएगा, जो भी यहाँ से इस मंथन से जो सामने आएगा, आपके लोकप्रिय आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके माध्यम से आपको लगातार इस दबे शोषित वंचित लोगों की आवाज़ को अपने प्रमुखता से उठाया है। आपने भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के कार्यक्रमों को बहुत सहजता और सुलभता के साथ प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। इलेक्ट्रो फर्नीचर कुशल गुरु इंटरप्राइजेस चौक बाजार चांडिल। इलेक्ट्रो फर्नीचर एक ऐसा नाम जो आपके त्योहारों में खोल दे खुशियां। जी हां, शानदार मल्टी ब्रांड इंपोर्टेड फर्नीचर और जरूरत की सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ही छत के नीचे। प्रत्येक खरीदारी पर गिफ्ट और डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर चांदी चौक बाजार में इलेक्ट्रो फर्नीचर की तरफ से हर प्रोडक्ट में गिफ्ट दी जा रही है, उसके साथ साथ डिस्काउंट कूपन भी है और ऑफर प्राइस में अभी सेलिंग चल रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ ब्रांडेड मोबाइल फोन्स के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। इलेक्ट्रो फर्नीचर कुशल गुरु इंटरप्राइजेस चौक बाजार चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को, जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं, हमारे पास हम सेवा करते हैं। चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है, आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 एंड 8084704699। हाय, कैसी हो?
बहुत अच्छी हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो। अच्छा तू एक मिनट बैठ, मैं तुरंत चाय लेके आती हूँ। ठीक है? ठीक। चाय लो। क्या हुआ अनु, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हमने तो एक घर ले लिया, अब घर में रखने के लिए सामान की भी जरूरत है। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ कहाँ से लूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत टेंशन में हूँ मैं। बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? तुमने इंदु मूवी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? वो एक ऐसी शॉप है जहाँ सारा सामान आसान किश्तों पर मिल जाता है। ओ अच्छा। एक साथ पैसे देने की भी टेंशन खत्म। मुझे भी एक एलईडी लेनी है, तो चलो चलें इंदु मूवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह, तो चलो चलो। अब तो घर का सारा सामान हो गया, अब तो खुश हो? और मेरा फोन? अच्छा, यहाँ बजाज, HDB, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट के द्वारा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सोच क्या रहे हैं? हमारा एड्रेस नोट कीजिए, उलियान मेन रोड कदमा, नियर SBI ATM, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9334629266, 9122222255। सुपीरियर क्वालिटी सही माप के साथ अर्जुन स्टोर, सुपीरियर लाइफस्टाइल एसी शॉप। स्टेप इन टू द मेट्रो लाइफस्टाइल। ले सकते हैं मजा सेल्फ सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। World is changing. Obviously, we have to change faster ahead. बदल दे आपके भाग दौड़ भरी जिंदगी को। अर्जुन स्टोर, कंप्लीट सॉल्यूशन, यही है समय की मांग। Arjun Store, Shri Mangal Tower, 16 Main Road, Katma Market, near Bina Pani Nursing Home. Contact 0657-230-5485 and 9835-17-1755. होमियो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, MD EH। टाइम 9:30 AM टू 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या? चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस? डटकेडी
डकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.